दोस्तों आज मैं आपको ये मधुमालती की केयर टिप्स बता रहा हूँ ताकि वो किसी तूफान बारिश में ना खराब हो। जैसे मेरी बेल देखो सेकंड मंजिल से नीचे एकदम गिर गई, क्योंकि मैंने इस रस्सी का सारे सिर्फ टॉप में बांध दिया था, जिस कारण टॉप में क्या बारिश तूफान में रस्सी घिस घिस के पत्थर के साथ वो कट हो गई और ये बेल सारी नीचे आई। ये तो परमात्मा का शुक्र है, नीचे कोई नहीं था या कोई साधन होता वो भी खराब हो जाता। इसलिए आप भी ऐसी गलती ना करें, इसलिए ये वीडियो पा रहा हूँ। आपको और कोई मधुमालती पूरी डिटेल चाहिए तो आप, मैं स्कैंड स्क्रीन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से मधुमालती की पूरी केयर टिप्स दे सकते। जैसे आप मेरे फ्लावर आए, आपको भी ऐसे फ्लावर हो। आइए देखो अब मैंने ठीक करने के बाद बेल कैसी लग रही है। और इसको मैंने अब दो जगह से बांध दिया, एक टॉप से एक ये जहाँ हरा गमला है यहाँ मेरा ये बना हुआ है। देखो ये रस्सी दिख भी रही होगी इसके साथ। अब अगर ये कहीं भी कुछ होगा तो पूरी ज़मीन पे नहीं गिर के गमले पे नहीं आएगी, बीच में रुक जाएगी और ये अब मजबूत भी हो जाएगी और तूफान को भी सहन सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।